जय किसान साथियों, मैं रवि आजाद। साथियों, हरियाणा की विधानसभा अब दलालों की मंडी बन चुकी है। हरियाणा की सरकार अब अंग्रेजी सरकार के पद चिन्हों पर चल रही है। साथियों, विधानसभा के अंदर आज तक एमएसपी का प्रस्ताव नहीं आया। विधानसभा में आज तक शहीद किसानों पर शोक प्रस्ताव नहीं आया। आंदोलन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर आया, और वो आया किसानों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। और विधानसभा के स्पीकर ने एक अलोकतांत्रिक प्रस्ताव रख के और ये साबित कर दिया कि किसान के वोट से बनी हुई सरकार अब किसान को मारने पर तुली हुई है। साथियों, ये जो स्पीकर सहित पूरी सरकार जो निंदा प्रस्ताव लाने वाली है, जो किसान का अपमान करने वाली है, इसका इलाज करने के लिए साथियों अब हमें और बड़े स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी। दूसरी बात साथियों, आज अगर हम आज की बात करें 18 मार्च की, विधानसभा के अंदर एक कानून आया है और उस कानून का नाम है संपत्ति सती वसूली अधिनियम 2021। और ये कानून साथियों इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों को जेल भेजने के लिए, फर्जी मुकदमे दर्ज करने के लिए, और संविधान ने अधिकार दिया विरोध करने का, संविधान ने अधिकार दिया आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, इनको दबाने के लिए जो कानून अंग्रेज सरकार ने लेकर के आई थी, जो कानून देश के किसी राज्य में नहीं है, जो कानून केंद्र में नहीं है, संविधान की हत्या करके हरियाणा की विधानसभा के अंदर अंग्रेजों से भी कई कदम आगे जा करके खट्टर की सरकार ने, ठगबंधन की सरकार ने और दुष्ट चौटाला की सरकार ने जो ये कानून लेकर के आई है, आज ये साथियों इनकी ताबूत में आखिरी कील होगी। ना ये हमें डरा सकते, ना हमें ये धमका सकते, ना दबा सकते, ना खरीद सकते, बल्कि ऐसे कानूनों से हमारा आंदोलन और तेज होगा, इनकी कब्र खुदेगी और हम सब मिलकर के भाजपा को ऐसे भगाएं कि आने वाली पीढ़ियां कभी भाजपा को देख ना पाए, नाम ना सुन पाए। अब ये पार्टी देश विरोधी हो चुकी है, किसान विरोधी हो चुकी है, जन विरोधी, नौजवान विरोधी पार्टी है। आज का कानून हरियाणा के लिए काला कानून है, हरियाणा के लिए काला दिन है, और विधानसभा के अंदर एक बड़ा दाग प्रदेश के ऊपर लगाया गया है, और सरकार अब जो है खुद अपनी कब्र खोद रही है, और हमें इस सरकार को उस कब्र के अंदर डाल करके इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। इस वीडियो को शेयर करें, इस कानून का जमकर के विरोध करें, इस प्रस्ताव का जमकर के विरोध करें और आंदोलन को ताकत देने का काम करें। जय किसान साथियों।